हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए धोती और कुर्ता बनाएंगे। ये मैंने इनकी छठी के लिए बनाया, बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें इतनी हैवी, ये देखिए एकदम हैवी सामने बनाया है और गले पे शायद आपको प्लेन लग रहा होगा, बट इसी तरह की इनकी ज्वेलरी भी आएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये है इनका पटका, मैंने ये लटकन से इनका पटका बनाया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंदर हमने इसे पहना के दिखाया है, आपको फिटिंग बहुत अच्छी मिलेगी, तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने कान्हा जी को। ये मैंने 7 नंबर के लिए बनाया है। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लू कलर में फैब्रिक लिया है। ये हमने कुर्ते के लिए लिया है, इसमें से ये देखिए एक ब्लू कलर में है, सॉरी एक अस्तर का है और एक हमारा शॉटन का है। ये वाला हमारा अस्तर का है, ये हमारा शॉटन का फैब्रिक है। और पहले हम कुर्ता बनाएंगे, तो जितनी भी हमारी लंबाई और चौड़ाई अस्तर की है सेम उतनी ही हमारी शॉटन की भी है। हम अस्तर को कट करेंगे, शॉटन को हटा देंगे। ये देखिए यहाँ से इतना आपको एक्स्ट्रा रखना है, पीछे वाला हिस्सा हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि पीछे वाला हिस्सा आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा रहे। ऐसे करके हमने पहले इसे डबल किया, और सॉरी मैंने आपको मेज़रमेंट ही नहीं बताई, मैं आपको पहले मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये 9 इंच है इसकी लंबाई, और चौड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है हमारी 4.25 इंच, मतलब कि 4 इंच और 4.5 इंच के बीच में जो भी आएगा उतनी। अब देखिए इसे आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है लंबाई की तरफ से, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। पीछे वाला हिस्सा हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा छूटा रहेगा, और यहाँ से हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया, अब ये इधर देखिए हमने छोड़ दिया था हिस्सा, ये इसकी खुली हुई साइड है और ये वाली साइड देखिए फोल्डेड है। हम इधर क्या करेंगे, नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके ये नेक कट कर देनी है। ये देखिए ये हमने नेक ऐसे करके कट करनी है। हम इसे कट कर देते हैं, ये हमने नेक कट कर दी। नेक कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे अलग कर लेंगे। ये हम फ्रंट वाले पल्ले को काट रहे हैं जिसे हमने थोड़ा सा छोटा रखा था, ये बीच से हमने अलग किया। ये आगे से खुला रहेगा, आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। और यहाँ पे हमने ये शेप दे दी हल्की सी, ये देखें ये इस तरह से हमने शेप दे दी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा गाइस, बहुत ही सुंदर। ये देखें ये हमने इसे कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा शॉटन वाला फैब्रिक है, ये शॉटन वाले फैब्रिक की सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो सीधी साइड पे हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये देखें इस तरह से हमने रखना है। और सबसे पहले आप क्या करें, एक सिलाई यहाँ से ऐसे सीधी और एक सिलाई यहाँ नीचे से ऐसे सीधी लगा लें। यहाँ और यहाँ दो सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आएंगे। सबसे पहले आपको सिलाई कैसे शुरू करनी होती है वो मैं बता दूं। जब भी आप सिलाई स्टार्ट करते हैं तो सिलाई को लॉक ज़रूर करें। ये देखें यहाँ पर हमने ऐसे रखना है और अपना बराबर करके रखें चारों साइड से, कहीं से आपका छोटा बड़ा ना हो। और यहाँ पर हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे, मशीन की सिलाई को छोटा कर लें थोड़ा, बहुत बड़ी सिलाई पे ना काम करें। ये देखिए थोड़ा सा सिल के जब हम पीछे से आते हैं तो ये लॉक हो जाती है इस तरह से। तो ऐसे करके हमें लास्ट में भी करना होगा, लास्ट में और स्टार्टिंग में हम लॉक करते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी से स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी ऊपर से, नीचे से और सेंटर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों सिलाई के बीच से ये कट करेंगे। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे ही हमें कट करके हटाना है। ये देखें इस तरह से ऐसे करके हमने कट कर देना है। और ये जो बीच वाली हमने सिलाई लगाई है बहुत हल्का मार्जिन रख के लगाई है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। अब हम इसे पलट देंगे, ये देखें इस तरह से पलट देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ये पलट जाता है। इस तरह का कुर्ता बनाना मैंने पहले भी बताया है, उस वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेज़रमेंट भी बताई है, तो आप चेक कर सकते हैं मेरी पुरानी कुर्ते की वीडियो, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो ये हमने इसे देखें पलट दिया।
अब हम इस पर एक बार अच्छे से प्रेस लगा लेंगे जिससे ये सेट हो जाए। आप प्रेस एक बार लगा देंगे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए मैं प्रेस लगा लेती हूँ। ऐसे सीधा रख के कॉटन के साइड से प्रेस लगाएं, ये जो कॉटन वाली साइड है इधर से प्रेस लगाएं। प्रेस लगा के हम सेट कर लेते हैं, फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर चारों तरफ से एक बार सिलाई लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है चारों साइड से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से हमने फोल्ड करना है। ये देखिए ये हमने बीच से ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे। ये हाफ इंच ऊपर आना चाहिए यहाँ से। ये देखिए ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। ऐसे करने के बाद यहाँ से सबसे पहले ये एक्स्ट्रा रेसे आ रहे हैं, इसे हमने हटा देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने हटा दिया। और यहाँ से हम ये देखिए जितनी भी लंबाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक जितना भी लंबा है, इसके आधे पे से हमने यहाँ पे इस तरह से हल्का सा स्लीव का शेप देना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसे स्लीव का शेप दे दिया और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस, और बहुत ही बढ़िया कुर्ता हमारा बन के रेडी होगा। आप देखिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ये देखें ये इस तरह से आएगा। अब ये जो हमने कटिंग की है इस पर भी हम एक बार सिलाई लगा लेते हैं, नहीं तो हमारा शॉटन और अस्तर का फैब्रिक अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ये नीले कलर में शॉटन रिबन लिया है। हम क्या करेंगे, इसकी हल से हम इसे लॉक करेंगे। यहाँ से लॉक करना शुरू करेंगे, ये पूरा आते हुए यहाँ तक लॉक करेंगे और इस साइड भी यहाँ से यहाँ आते हुए यहाँ तक लॉक करेंगे। कैसे लॉक करना होता है, सबसे पहले फ्रंट साइड से आप लगभग हाफ इंच ऐसे फोल्ड कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधा आगे की साइड और आधा पीछे की साइड चला जाएगा और इस तरह से हम इसे सिल देंगे। चलिए मैं यहाँ पे लॉक कर देती हूँ इसे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, दोनों साइड से रिबन से लॉक कर दिया। अब ये चारों साइड से लॉक है, कहीं से खुलेगा नहीं। ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हमने यहाँ पे येलो कलर में स्ट्रिप ली हुई है। अगर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.75 इंच, मतलब 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जो भी आएगा उतनी। और इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है, ये 20 इंच लंबा है। हमें क्या करना है, इसे इस तरह से ऐसे डबल करना है और डबल करने के बाद आप चाहें तो प्रेस लगा दें, बेस्ट है अगर प्रेस लगा देते हैं तो। और नहीं प्रेस तो आप नाखून भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे नाखून ही लगा दे रही हूँ। ये देखें अगर आप प्रेस करेंगे तो ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, आराम से चिपक जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लेट बनानी है। ये देखिए चाहे छोटी प्लेट बनाएँ चाहे बड़ी, हम जब दोनों साइड से हेल्प करके ऐसे पकड़ते हुए हल्का सा बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनती हैं। ये देखें ऐसे करके हमें प्लेट बनानी है। चलिए मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ अपने पूरी स्ट्रिप से। ये देखिए हमने यहाँ पे प्लेट बना दी, बट हमें इतनी चौड़ी प्लेट नहीं लगानी है, हम थोड़ा सा और पतला लगाएंगे। तो पहले आपको चौड़ा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत पतला कर लेते हैं तो वो फिनिशिंग से लगती नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं। हमने यहाँ पे पतला कर दिया, यहाँ से एक्स्ट्रा जो है उसे हम कट करके हटा देंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने प्लेट बनाई है इसे हम यहाँ स्लीव पे ऐसे करके लगाएंगे, ये हमारे स्लीव पे ऐसे फैलाएंगी। चलिए हम लगा देते हैं जल्दी से। ये देखिए हमने लगा दी, कितना फिनिशिंग से हमारा लग गया है। सेम ऐसा ही हम दूसरे साइड भी लगाएंगे। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड इसे इधर भी और इधर भी लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने येलो कलर में अस्तर वाला ही फैब्रिक ले रखा है और इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई हमने रखी है लगभग 4.25 इंच जितनी उसकी थी,
और चौड़ाई हमारी है 2.5 इंच। ये देखें, इससे आप ये देखिए, ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो हमें चढ़ाना ही है यहाँ पे हल्का सा एक दूसरे के ऊपर, और फिर मेज़र कर लें तो लंबाई दोनों साइड से आधा आधा इंच अधिक होनी चाहिए, और इधर से ये 2.5 इंच ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है पहले इसे मोड़ लेंगे। ये देखें, इधर से भी मोड़ लेते हैं, हमने दोनों साइड से इसे मोड़ दिया। अब हम थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे और थोड़ा सा इधर से मोड़ना है कुछ इस तरह से, और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है कुर्ते का, ये देखें, ये इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अलग नहीं रखना है, बस डायरेक्ट इसको इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सिल देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे सेम तरीके से सिला है। आप अगर पीछे के साइड देखेंगे तो ये चौड़ाई अधिक है और आगे के साइड कम है, तो यहाँ से आप ऐसे मेज़र करके और इससे इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा इधर से रख लें, और इसकी आपको जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही रखनी है। ऐसे करके हमने दोनों साइड बना लिया कि हमारा मेन काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, हमने समोसे वाली लेस ली हुई है, इसे हम यहाँ पे स्लीव पे इस तरह से लगाएंगे जिसे देख के सुंदर लगे। तो चलिए हम दोनों साइड लगा देते हैं इसे जल्दी से। ये देखिए, हमने लगा दिया, अभी मैं एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी, और आप चाहें तो यहाँ यहाँ भी लेस लगा सकते हैं, बट मैं इसे गोपाल जी की छठी के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा हैवी मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की बटन है मेरे पास, फिर ये ड्रॉप शेप के कुंदन है, और इस तरह की नग वाली चेन मैंने इस चेन में से कट की है। ये आपको चार्ट मिल जाएगा मार्केट में इस तरह का। तो हमें इसे कैसे असेंबल करना है, ये देखें, ये हमने फैब्रिक ग्लू, ये देखिए फैब्रिक ग्लू लिया है, इसके अलग से हम लगाएंगे। सबसे पहले आप ये नीचे से इस तरह से लगा लें यहाँ पूरे लाइन पे, और उसके बाद इसे हमने लगाना है ऐसे करके। ये बैक साइड का मैंने कट किया हुआ है, और इसे भी लगाने के बाद हम ये ड्रॉप शेप के कुंदन ऐसे करके अटैच कर देंगे। बहुत आसानी से, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये रेडी होगा। ये देखें ऐसे करके, ऐसे ये पूरे लाइन पे लगाना है। चलिए मैं लगा देती हूँ ऊपर नीचे, और गले पे मैं ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि हम हैवी ज्वेलरी पहनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैं गले पे कोई भी वर्क नहीं कर रही हूँ। बाद में वो अगर हम नग वगैरह लगाते हैं तो बाद में अच्छा नहीं लगता है देख के, क्योंकि हमारी हैवी ज्वेलरी भी होती है, तो मैं गले पे ऐसे प्लेन ही छोड़ूंगी। चलिए मैं यहाँ पे अटैचमेंट पीछे और आगे दोनों साइड लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, हमारा कुर्ता यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं तो इसे कमरबंद की हेल्प से अटैच करती हूँ, अभी पहना के दिखा दूँगी गोपाल जी को। अगर आप कमरबंद नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ दो डोरी लगा सकते हैं बांधने के लिए। बस आप देखिए कितना हैवी लग रहा है, जब ऐसा ही नेकलेस गोपाल जी पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। वैसे मैं थंबनेल पे एकदम अच्छे से श्रृंगार की हुई उनकी फ़ोटो लगाऊंगी, जिससे आपको समझ में आए कि कितना खूबसूरत लगेगा ये पहनाने के बाद। अब हमने बनानी है इनकी धोती, तो धोती के लिए हमने येलो कलर में फैब्रिक ले रखा है, ये देखें, और दोनों हमने शॉटन और कॉटन लिया है, और अब आप पहले मेज़रमेंट देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हमने इसकी लंबाई रखी है, ये देखें 10 इंच, यहाँ पे हमने लंबाई 10 इंच रखी है, और चौड़ाई भी हमने 5 इंच रखी है। लंबाई जितनी भी है उसकी आधी इसकी चौड़ाई है, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, अपना ये शॉटन वाला फैब्रिक लेंगे, ये हमारे शॉटन वाले फैब्रिक की सीधी साइड है, और इसके ऊपर ऐसे इसे रखेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे रख दिया, ऐसे डबल करना है, और डबल करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे इसे हल्का सा राउंड शेप देंगे, बस यहीं से हल्का सा इसे निकालना है। तो ये देखें, यहाँ से ये हम हल्का सा ऐसे करके कट करेंगे। आप चाहें तो मार्क लगा के भी कट कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसे कट कर दिया, एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इसकी, ये देखिए इसकी दो साइड्स हैं, ये एक ऐसे राउंड शेप में है, यहाँ से यहाँ आ रही है, और ये एक सीधी है, हम सीधी वाली पे एक सीधी सी सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं जल्दी से।
ये देखिए हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ सेंटर पे ऐसे नाखून लगाएंगे तो निशान आ जाएगा। ये देखिए यहाँ निशान आ गया है। अब इस निशान के इस बगल से एक सिलाई लगा लेंगे और इस बगल से। ये देखिए हमने यहाँ पे दो सिलाई लगा दी है। अब इसके बीच से हम कट करके अलग कर देंगे दोनों को। ये हमारे दोनों पैर हो जाएंगे। यहाँ से हमने इसे इस तरह से मोड़ देना है। ये देखें हमने पलट दिया और सेम इसी तरीके से हमने इसे भी पलट देना है। हमने इसे भी पलट दिया। अब पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और ये राउंड पे सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। दोनों के ऊपर हमें सेम तरीके से लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे सेम तरीके से दोनों को स्टिच कर दिया है। अब हम क्या करना है, ये अपना ब्लू वाला रिबन लेना है क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्लू टच अपनी धोती में भी देना है। और ये देखिए इसे हम ऐसे डबल करके लगाएंगे क्योंकि पतला सा ही देंगे। ये देखिए ऐसे करके यहाँ से यहाँ, ये जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ, बस हम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ही लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं जल्दी जल्दी से। इसे डबल करके बस इसके ऊपर सिल देना है थोड़ा सा येलो छोड़ते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों को सिल के तैयार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए गोलाई वाला हिस्सा हमने ऊपर रखा है, जो आधा हमारा सर्कल आ रहा है वो ऊपर है, और यहाँ से थोड़ी दूर हम सिल देंगे। चलिए यहाँ पे सिल लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हमें यहाँ पे प्लेट बनानी है। यहाँ पे इस तरह से हम प्लेट बनाएंगे। देखिए ऐसे करके तीन प्लेट हम इधर से बना देते हैं और तीन इधर से बना देते हैं। आपको ध्यान देना है कि इधर वाले प्लेट का फेस जो है ऐसे इधर होना चाहिए और जो इधर वाली प्लेट होगी इसका फेस ऐसे इस साइड होना चाहिए। चलिए हम बना लेते हैं जल्दी से। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए लगभग 0.25 इंच हम यहाँ से कम कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे करके हम कट कर देंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा कट हो गया। और यहाँ पे कमर हमने रखी है इसकी, ये देखिए सिलने के बाद हमने यहाँ पे कमर रखी है इसकी 6.5 इंच। ऐसे करके मेज़र कर लेते हैं। ये 6.5 इंच हमने कमर रखी है। हमने यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिप ली है नेफे के लिए, तो यहाँ पे इसकी लंबाई हमने रखी है 7.5 इंच और चौड़ाई हमने रखी है, ये देखें हमारी 2.25 इंच है। आप 2 इंच भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसे एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड से हम इसे लगाएंगे। ये हम नेफा बना रहे हैं। नेफे पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलने के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बच गया है, तो ये ज़रूरी है बचना। अब हमने यहाँ पे डोरी लेनी है। ये मैंने डोरी कट कर ली। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे पलट के फ्रंट पे ले आएंगे इस तरह से, और इसके बीच में हमें डोरी डालनी है। तो पहले आप यहाँ से इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा वाले को मोड़े, फिर ये डोरी यहाँ पे ऐसे डालनी है। ये देखें ऐसे करके और ऐसे हमने सिल देना है इसे। चलिए हम सिलाई लगा देते हैं। आपको ध्यान देना है कि डोरी के ऊपर से आप ना सिलाई लगाएं, और जब भी आप नेफा बनाएं तो अपनी सिलाई लॉक करके स्टार्ट करें। ये देखिए हमने यहाँ पे ये धोती भी तैयार कर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलक्रो लगाना है इस तरह से, ऐसे करके, जिससे फिटिंग अच्छी आए। तो चलिए मैं वेलक्रो लेके आती हूँ, फिर हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे वेलक्रो ले लिया है। हम इसे अलग करेंगे और इसकी एक रफ़ साइड होती है, तो रफ़ साइड हम यहाँ ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे और इसकी जो सॉफ्ट वाली साइड होती है हम यहाँ अंदर की तरफ लगाएंगे, जिससे ये ऐसे आपस में बंद हो और सॉफ्ट वाली साइड आए तो कान्हा जी को कोई दिक्कत भी ना हो।
ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया, ये हमारा अब रेडी हो गया है। यहाँ से हम कमर पे इसे बांध लेंगे और बांधने के बाद वेलक्रो से ऐसे हम इसे चिपका देंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा धागा है, मैं इसे अभी से कट करके हटा दूँगी। बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब कान्हा जी पहनेंगे तो ये इस तरह से उनके ऊपर आएगी, बहुत अच्छी लगेगी पहनने के बाद। और पटके के लिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया और पटके के लिए मैंने आपको बताया कि मैं क्या यूज़ करूँगी। देखिए पटके के लिए मैंने एकदम हैवी सी ये लटकन ली हुई है, मैं यही यूज़ करूँगी यहाँ से ऐसे बांध के, और इसमें ये येलो मोती डाल के मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपको ड्रेस पहना के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये धोती है, तो धोती कैसे आएगी कान्हा जी को, ऐसे करके पहना देते हैं जिससे आपको पता चले कि आप कैसे पहना सकते हैं। यहाँ से हमने बांध देना है, ये हमने यहाँ पे बांध दिया और इस तरह से ऐसे करके अब इनके ये पैर के नीचे से आएगी और ये वाली भी पैर के ऊपर से आएगी, और फिर हम ये देखें वेलक्रो की हेल्प से इसे ऐसे चिपका देंगे। यह भी बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, ये मुझे सीधा नहीं पड़ रहा है इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखें, आप देखें ये मैंने ऐसे करके चिपका दिया, बहुत अच्छे से हो गया। आप चाहें तो यहाँ यहाँ से जो हल्की हल्की से वेलक्रो दिख रही है इसे कट कर सकते हैं। और धोती की फिटिंग देखें, आगे से भी देखें कितनी अच्छी है, ये देखें, और बैक से आपने देखा ही। अब हम कुर्ता भी पहना देते हैं। तो कुर्ता हमने कैसे पहनाना है, ये देखिए ये यहाँ से पूरा खुला हुआ है, तो ये मैं बचा के डाल देती हूँ। ये देखें ये आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे इस तरह से आएगा और पीछे भी इस तरह से आएगा। और यहाँ पे जब मैं इसे कमरबंद की हेल्प से बांधूँगी तो बहुत अच्छे से फिट होगा। वैसे मैं अभी आपको डोरी की हेल्प से बांध के दिखा देती हूँ। तो थोड़ी सी डोरी कट कर लेते हैं और अभी आप देखिएगा फिटिंग कितनी अच्छी आई है और बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत सुंदर है। आप भी चाहें तो बना सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए। ये 7 नंबर के कान्हा जी की पोशाक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह से हम बांध देंगे। अभी मैं आपको आगे पीछे दोनों साइड से दिखा दूँगी कि किस तरह का लुक आ रहा है। और ये जो हम डोरी बांध रहे हैं, जब मैं इन्हें बाल लगाऊंगी तो वो बाल के साथ ढक जाएगी। आप देखें ये पीछे से भी हमारा पूरा कुर्ता दिख रहा है। अगर आप और छोटा चाहते हैं तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऐसे करके तब डोरी बांध सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लंबा पसंद है इसलिए मैंने पीछे वाला थोड़ा सा लंबा बनाया है। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, देख के बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फ्रंट साइड से देखें, और मैं बाल लगा के भी आपको दिखा देती हूँ कि इनकी ये जो पूरी डोरी है वो ढक जाएगी। तो वेलक्रो के साथ ही रख गया है इनका बाल भी, जिस वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया है, मुझे नया लेना है बट मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। ये देखें, और मेरे पास इनके साइज का बाल नहीं है। अब अभी काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि दीदी खुद ही आप सेल करती हैं और आप ही ऐसे बोल रही हैं, तो मेरे पास इनके साइज का नहीं है गाइस। ये देखें, ये जब हम बाल लगाएंगे तो ये पूरा पीछे से ढक जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो ये हो गया, और आप ये लटकन लगा सकते हैं। ये देखें ये ऐसे गले से आ जाएगी इनके और बाल के अंदर से आएगी, ऐसे करके एक हाथ पे से आप लटका सकते हैं। जैसे भी मैं आपको पहनाऊंगी तो आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।